जटाकुंड में सीता राम और लक्ष्मण जी का पूजन करना उचित है। चैत्र कृष्णा चतुर्दशी को वहाँ की वार्षिक यात्रा होती है। इस प्रकार पूजन करके पुण्य आत्मा मनुष्य विष्णु लोक में निवास करता है। इसके उत्तर में वीर मत गजेंद्र का शुभ सूचक स्थान है। उनके सामने जो सरोवर है उसमें स्नान करके जो निश्चित रूप से वहाँ निवास करता है वह पूर्ण सिद्धि को पाता है। अयोध्या की रक्षा करने वाले वीर मत गजेंद्र समस्त कामनाओं की सिद्धि करने वाले हैं। उसके पश्चिम भाग में परम पुरुषार्थी वीर पिंडारक का स्थान है। सरयू के जल में स्नान करके वीर पिंडारक की पूजा करें। वे पापियों को मोहने वाले और पुण्य आत्माओं को सदा सद्बुद्धि प्रदान करने वाले हैं। पिंड कारक के पश्चिम भाग में विघ्नेश्वर गणेश जी की पूजा करें। उनके दर्शन करने से मनुष्य को लेश मात्र विघ्न का भी सामना नहीं करना पड़ता। विघ्नेश से ईशान कोण में श्री राम जन्म स्थान है। इसे जन्म स्थान कहते हैं। यह मोक्ष आदि फलों की सिद्धि करने वाला है। विघ्नेश से पूर्व वशिष्ठ से उत्तर तथा लोमश से पश्चिम भाग में जन्म स्थान तीर्थ माना गया है। उसका दर्शन करके मनुष्य गर्भवास पर विजय पा लेता है। रामनवमी के दिन व्रत करने वाला मनुष्य स्नान और दान के प्रभाव से जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाता है। आश्रम में निवास करने वाले तपस्वी पुरुषों को जो फल प्राप्त होता है सहस्त्रों राजस्यु और प्रतिवर्ष अग्निहोत्र करने से जो फल होता है जन्म स्थान में नियम में स्थित पुरुष के दर्शन से तथा माता पिता और गुरु की भक्ति करने वाले सत्पुरुषों के दर्शन से मनुष्य जिस फल को पाता है वही सब फल जन्म भूमि के दर्शन से प्राप्त कर लेता है। सरयू का दर्शन करके भी मनुष्य उस फल को पा लेता है। एक निमेश या आधे निमेश में किया हुआ भी श्री रामचंद्र का ध्यान मनुष्य के संसार बंधन के कारण भूत अज्ञान का निश्चय ही नाश करने वाला है। जहाँ कहीं भी रहकर जो मन से अयोध्या जी का स्मरण करता है उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती। सरयू नदी सदा मोक्ष देने वाली है। यह जल रूप से साक्षात परब्रह्मा है। यहाँ कर्म का भोग नहीं करना पड़ता। इसमें स्नान करने से मनुष्य श्री राम रूप हो जाता है। पशु पक्षी मृग तथा अन्य जो पाप योनि प्राणी हैं, वे सभी मुक्त होकर स्वर्ग लोक में जाते हैं। जैसा कि श्री रामचंद्र जी का वचन है, सप्त तीर्थ क्षमा तीर्थ इंद्रिय निग्रह तीर्थ सर्वभूत दया तीर्थ सत्यवादी तीर्थ ज्ञान तीर्थ और तपस्या तीर्थ, ये सात मानस तीर्थ कहे गए हैं। संपूर्ण प्राणियों के प्रति दया करना रूप जो तीर्थ है उसमें मन की विशेष शुद्धि होती है। केवल जल से शरीर को पवित्र कर लेना ही स्नान नहीं कहलाता। जिस पुरुष का मन भलीभांति शुद्ध है उसी ने तीर्थ स्नान किया है। भूमि पर वर्तमान में जो तीर्थ है उनकी पवित्रता का कारण यह है कि जैसे शरीर के कोई अंग मध्यम और कोई उत्तम माने गए हैं उसी प्रकार पृथ्वी पर भी कुछ प्रदेश अत्यंत पवित्र होते हैं। इसलिए भूम और मानस दोनों प्रकार के तीर्थों में निवास करना चाहिए। जो दोनों में स्नान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। जलचर जीव जल में ही जन्म लेते हैं और जल में ही मरते हैं, परंतु वे स्वर्ग में नहीं जाते क्योंकि उनका मन अशुद्ध होता है और वे मलिन होते हैं। विषयों में निरंतर राग होना मन का मल कहलाता है। उन्हीं विषयों में जब आसक्ति न रह जाए तब उसे मन की निर्मलता कहते हैं। यदि मन मनुष्य भाव से निर्मल है, उसके अंतःकरण में शुद्ध भाव है, तो उसके लिए दान यज्ञ तप शोच तीर्थ सेवा और वेदों का अध्ययन ये सभी तीर्थ है। इंद्रिय समुदाय को वश में रखने वाला पुरुष जहाँ निवास करता है वही उसके लिए कुरुक्षेत्र नेमिषारण्य और पुष्कर है। यह मानस तीर्थ का लक्षण बतलाया गया है जिसमें स्नान करने से
क्रियावान पुरुषों के सब कर्म सफल होते हैं। बुद्धिमान मनुष्य प्रातःकाल उठकर संगम में स्नान करे, फिर भगवान विष्णु हरि का दर्शन करके ब्रह्म कुंड में स्नान करे, तत्पश्चात चक्र तीर्थ में स्नान करके मनुष्य भगवान चक्र हरि का दर्शन करे, उसके बाद धर्म हरि का दर्शन करके वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। प्रत्येक एकादशी को यह यात्रा शुभ कारक होती है। बुद्धिमान पुरुष प्रातःकाल उठकर स्वर्ग द्वार के जल में गोता लगावे, फिर नित्य कर्म करके अयोध्यापुरी का दर्शन करे, तत्पश्चात पुनः सरयू का दर्शन करके वीर मत गजेंद्र, वंदी देवी, शीतला देवी और वटुक भैरव का दर्शन करे, उनके आगे सरोवर में स्नान कर महाविद्या का दर्शन करे, तत्पश्चात पिंडारका का दर्शन करे, अष्टमी और चतुर्दशी को यह यात्रा फलवंती होती है। अंगाकारक चतुर्दशी को पूर्वोक्त देवताओं के साथ साथ समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए विघ्नेश का भी दर्शन करें। पूर्वतः प्रातःकाल उठकर बुद्धिमान पुरुष ब्रह्म कुंड के जल में स्नान करे, फिर विष्णु और विष्णु हरि का दर्शन करके मनुष्य के मन वाणी और शरीर की शुद्धि होती है। उसके बाद मंत्रेश्वर और महाविद्या का दर्शन करें, तत्पश्चात सब कामनाओं की सिद्धि के लिए अयोध्या का दर्शन करके जितेंद्र पुरुष स्वर्ग द्वार में वस्त्र सहित स्नान करे, उससे मनुष्यों के अनेक जन्मों के उपार्जित नाना प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए वस्त्र सहित स्नान अवश्य करें। यह यात्रा सब पापों का नाश करने वाली बतलाई गई है। जो प्रतिदिन इस प्रकार शुभ फल देने वाली यात्रा करता है, उसकी 100 कोटि कल्पों में भी पुनरावर्ती नहीं होती। अयोध्यापुरी सर्वोत्तम स्थान है, यह भगवान विष्णु के चक्र पर प्रतिष्ठ है। सूत जी कहते हैं, जो मनुष्य पवित्र चित होकर अयोध्या के इस अनुपम महात्म्य का पाठ करता है, अथवा जो श्रद्धा से उसको सुनता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। अतः मनुष्य को सदा यत्न पूर्वक इसका श्रवण करना चाहिए, ब्राह्मणों तथा भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मण के लिए सुवर्ण आदि देना चाहिए। पुत्र की इच्छा रखने वाला पुरुष इस महात्म्य को सुनकर पुत्र पाता है और धर्मार्थी को धर्म की प्राप्ति होती है। जो श्रेष्ठ मनुष्य अति विस्तृत विधान के साथ वर्णित इस धर्मयुक्त आदि क्षेत्र के उत्तम महात्म्य का भक्ति पूर्वक श्रवण करता है, वह लक्ष्मी जी से सनात होकर संसार में सब उत्तम भोगों को भोगने के पश्चात भगवान विष्णु के लोक में निवास करता है। संक्षिप्त श्री स्कंद महापुराण ब्रह्माखंड सेतु महात्म्य सेतु तीर्थ रामेश्वर क्षेत्र की महिमा। जिन्होंने श्वेत वस्त्र धारण कर रखा है, जिनका चंद्रमा के समान गोर वर्ण है, चार भुजाएं हैं और मुख पर प्रसन्नता छा रही है, ऐसे भगवान विष्णु का सब विघ्नों की शांति के लिए ध्यान करना चाहिए। नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि ऋषि अष्टांग योग के साधन में तत्पर हो एकमात्र ब्रह्म ज्ञान के साधन में संलग्न थे। वे सभी महात्मा संसार बंधन से मुक्ति चाहने वाले थे, उनमें ममता का सर्वथा अभाव था। वे ब्रह्मवादी धर्म यज्ञ किसी के दोष ना देखने वाले सत्यव्रति इंद्रिय संयम क्रोध को जीतने वाले तथा सब प्राणियों के प्रति दया रखने वाले थे। शौनक आदि महर्षि इस परम पवित्र मोक्षदायक नैमिषारण्य में अतिशय भक्ति के साथ सनातन देव भगवान विष्णु की पूजा करते हुए तपस्या में लगे रहते थे। एक समय उन महात्माओं ने उत्तम सत्संग का आयोजन किया, उसमें वे परम पुण्यमयी पाप नाशक कथाएं कहते थे और मुक्ति के उपायों पर परस्पर प्रश्नोत्तर किया करते थे। उसी अवसर पर वहाँ व्यास जी के शिष्य महाविद्वान पौराणिकों में श्रेष्ठ मुनिवर सूत जी आए। उन्हें देखकर शौनक आदि महर्षियों ने अर्घ आदि के द्वारा उनका पूजन किया। जब वे सुखपूर्वक उत्तम आसन पर बैठे, तब महर्षियों ने उनसे पूछा, सूत जी,
जीवों की संसार सागर से किस प्रकार मुक्ति होती है, भगवान शिव अथवा विष्णु में मनुष्यों की भक्ति कैसे होती है, ये तथा अन्य सब बातें भी आप कृपा करके हमें बताइए।